एक ऐसी मिसाइल जो अगर आपके शहर गिरी तो कर देगी पूरी दुनिया तबाह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, हथियार भी उतने ही ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। जैसे कि हम आए दिन यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही वॉर में सुनते हैं कि कैसे एक मिसाइल से रशिया ने यूक्रेन के आधे से ज्यादा शहर को तबाह कर दिया। पर क्या आपने कभी ऐसी मिसाइल के बारे में सुना है कि अगर वो चली तो कैसे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है? चलिए हम आपको बताते हैं दुनिया की ऐसी 7 खतरनाक मिसाइलों के बारे में जो चली तो कैसे लाएंगी तबाही। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपको ये बताने से पहले कि दुनिया की 7 सबसे पावरफुल मिसाइलें कौन सी हैं, आपको ये बता देते हैं कि मिसाइल होती क्या है। मिसाइल ऐसे हथियार हैं जो हवा में लॉन्च किए जाते हैं और बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स के साथ फट जाते हैं। उन्हें जमीन पर बेस गन्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट से दागा जा सकता है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं सबसे पहली मिसाइल के बारे में। नंबर 1, RS-28 सरमाट। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन द्वारा डिजाइन की गई ये इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स, यानी कि एक ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होती है और साथ ही ये स्पेस लॉन्च व्हीकल्स का एक ग्रुप है। आपको बता दें कि ये 3 हथियार ले जाने में कैपेबल है और पहली सोवियत MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंट्री व्हीकल मिसाइल थी। साथ ही में ये दुनिया के खतरनाक मिसाइलों में से एक है। आप सभी को बता दें कि इसकी रेंज 18000 किलोमीटर है और साथ ही इस सीरीज की मिसाइलों को सबसे पावरफुल कहा जाता है। RS-28 सरमाट सरमटियंस माकियेव रॉकेट डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाई गई एक रशियन लिक्विड फ्यूल्ड MRIV इक्विप्ड सुपर भारी इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। इसका पर्पस रूस के आर्मर में R-36M ICBM को रिप्लेस करना है। 1 मार्च 2018 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अनवील्ड किए गए 6 नए रूसी स्ट्रेटेजिक वेपन्स में से एक RS-28 सरमात ने 20 अप्रैल 2022 को अपनी पहली टेस्ट उड़ान भरी और रूसी सरकार को उम्मीद है कि मिसाइल 2022 में सर्विस में एंटर कर ली जाएगी। 16 अगस्त 2022 को RS-28 सरमात के मैन्युफैक्चरर एंड सप्लाई के लिए एक स्टेट कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए गए थे। नंबर 2, LGM-30 मिनटमैन यूनाइटेड स्टेट्स। ये इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका के स्ट्रेटेजिक डिटरनेंस फोर्सेस का एक हिस्सा है। इसका नाम इसके फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है। लेटर L वो तरीका है जिससे डिफेंस डिपार्टमेंट उन मिसाइलों को डेजिग्नेट करता है जिन्हें एक रिजिड सीलो से लॉन्च किया जाता है। लेटर G, लेटर G का मतलब है सुपरफिशियल अटैक। M लेटर का मतलब है कि ये गाइडेड मिसाइल है। 1950 के दशक के लेटर हाफ से ही मिनटमैन मिसाइल्स मौजूद हैं। ये हथियार क्विक रिस्पांस, इंटीरियर गाइडेंस, हाई रिलायबिलिटी, हाई एक्यूरेसी, क्रिटिकल और लॉन्ग रेंज टारगेटिंग प्रदान करता है। 2015 तक योमिंग, मोंटाना और नॉर्थ डकोटा में 450 से ज्यादा मिनटमैन मिसाइल्स ऑपरेशन में है। क्योंकि 1960 के दशक में पहली बार मिनटमैन मिसाइल तैनात की गई थी, इसलिए सीरीज को लगातार अपग्रेड और अपग्रेड किया जा रहा है। बोइंग कंपनी द्वारा बनाई गई इन मिसाइल्स में मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि 13,000 किलोमीटर की दूरी तक वार करने वाली ये मिसाइल एक साथ 3 न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने की कैपेबल है। ये एक साथ ही 3 अलग अलग ठिकानों को तबाह कर सकती है। अमेरिकी सेना ने इसे ट्राइडेंट मिसाइल सिस्टम से लेस करके दुनिया की सबसे लीथल मिसाइल बना दिया है। फिलहाल ये अमेरिका सेना में शामिल इकलौती इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। नंबर 3, DF-41। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चीन की मिसाइल की। ये चीन की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। असलियत में ये दुनिया के सबसे डेडलीएस्ट मिसाइल में से एक है, लेकिन ये बात चौंका देने वाली है कि इसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन आज तक क्लियरली किसी के सामने नहीं आई है। ऐसा माना जाता है कि इसे 2016 या 2017 में इस्तेमाल में लाया गया था। इसकी रेंज 14,000 किलोमीटर होने का अनुमान है, जो इसे यूरोप, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी रीजन्स को टारगेट करने की एबिलिटी देता है। साथ ही हम आपको बता दें कि ये इनमें से किसी भी देश में महज 20 से 25 मिनट में आसानी से पहुंच सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल और 10 MRIV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रेंट्री व्हीकल है, जो इसकी ओवरऑल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसमें बेईडोउ चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। मिसाइल को तियान STF-5980 क्रॉस कंट्री व्हीकल द्वारा 16x16 कॉन्फिगर्ड स्पेशल व्हील चेसिस के साथ लॉन्च पोजीशन में लाया जाता है।
8.16 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने वाली ये मिसाइल दुनिया की सबसे लंबी दूरी तय कर रेंज मिसाइल है, जिसे चीन ने बनाया है। चीन इसी मिसाइल के दम पर अमेरिका, जापान और भारत समेत पूरी दुनिया को आग दिखाता है। नंबर 4, द M51 SLBM फ्रांस। ये फ्रेंच SLBM सबमरीन मिसाइल एकमात्र ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है जो फ्रांस के पास है, और इस तरह ये उनके मिलिट्री स्ट्राइक फोर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंस रखती है। ये लेस पावर प्रेडिसेसर्स का एक वेरिएंट है जिसकी रेंज को 8000 किलोमीटर तक अपग्रेड किया गया है। 3 स्टेजेस वाला ये सॉलिड प्रोपेलेंट वेपन घातक रिजल्ट के साथ दुनिया भर के टारगेट्स पर हमला कर सकता है। ये मिसाइल लॉन्च होने पर 6 से 10 MRIV से लॉन्च करने के लिए कई 100 किलोमीटर तक ऊपर की ओर जाती है। इनमें से हर एक के पास 107 किलोटन का थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड है जो इवेंचुअली Mach 25 पर अपने टारगेट की ओर एक्सेलरेट करता है और आखिर में एंट्री एड्स को तैनात करता है जो सक्सेस इंश्योर करते हैं। 4500 किलोमीटर को ट्रेवल करने में इस मिसाइल को सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, जिससे इंडीड टारगेट्स को कोई भी रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है। ये मिसाइल EADS एस्ट्रीम स्पेस ट्रांसपोर्ट द्वारा डिजाइन किया गया है और फ्रेंच नेवी द्वारा इस्तेमाल की जाती है, और दोस्तों साथ ही में से पानी के अंदर सबमरीन से भी दागा जा सकता है। नंबर 5, UGM-133 ट्राइडेंट यूनाइटेड किंगडम। लॉकहेड मार्टिन ने सबमरीन से दागे जाने वाली इस ब्लास्टिक मिसाइल को बनाया था। इसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम दोनों नेवीज द्वारा डेवलप किया गया है। ये 1990 से सर्विस में है। हालांकि मिसाइल के पहले डेवलप होने के बाद से वेरिएंट ने ग्रेटर पेलोड, लॉन्गर रेंज और ज्यादा एक्यूरेसी को जोड़ा है। इन इम्प्रूवमेंट्स ने इसे सबसे एफिशिएंट फर्स्ट स्ट्राइक वेपन्स में से एक के रूप में फंक्शन करने की एबिलिटी प्रदान की है। पानी के सरफेस को तोड़ने और अपने टारगेट की ओर उड़ान शुरू करने की ऑर्डर दिए जाने के बाद ये सेकंड के अंदर अंदर लॉन्च हो जाती है। ट्राइडेंट में 3 सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर्स शामिल हैं, जो रॉकेट को आगे बढ़ने के क्रम में इग्नाइट होते हैं। इसकी रेंज 4230 नेक्चुअल माइल्स यानी कि 7833.96 किलोमीटर है, और ये अपने MK6 एस्ट्रो इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम के जरिए GPS अपडेट्स भी रिसीव कर सकता है। इसमें अलग अलग पेलोड्स के साथ कई टाइप के वॉरहेड्स के लिए है, और फ्यूचर की एंगेजमेंट्स के लिए ये मिसाइल एक नया वॉरहेड डिजाइन रिसीव करेगी। चीन की DF-41 से अलग ये मिसाइल पनडुब्बियों पर भी लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन की रॉयल नेवी करती है। न्यूक्लियर वेपन से लैस ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट्स को हिट करने में कैपेबल है। 1983 में डेवलप्ड इस मिसाइल को अमेरिकी और ब्रिटेन सेना 1990 से इस्तेमाल कर रहे हैं। Jericho 3 इजराइल। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक और मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल इजराइल के लिए पहली मिसाइल है। इससे पहले शॉर्ट रेंज जेरिको और मीडियम रेंज जेरिको मिसाइल थी। कुछ इंडिकेशन है कि ये स्पेस लॉन्च व्हीकल के साथ ये सेम टेक्नोलॉजी शेयर करती है, जिसे शेविट के नाम से जाना जाता है। जेरिको मिसाइल समय के साथ इवॉल्व हुई है और करंट वर्जन में एक वॉरहेड है जो रेडार द्वारा गाइडेड है, और इसकी सब्सटेंशियल रेंज भी है। वास्तव में इसमें पूरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक पहुंचने की एबिलिटी है। ये ज्यादातर नॉर्दर्न ओशियन और नॉर्थ व साउथ अमेरिका तक भी पहुंच सकती है। इसी वजह से ये एक न्यूक्लियर वेपन को पृथ्वी पर किसी भी जगह पर लॉन्च कर सकता है, जिससे इजराइल डिफेंस फोर्सेस को काफी ताकत मिलती है। इसमें री एंट्री के लिए एक सिग्निफिकेंट वेलोसिटी है, और ये इसे प्रेजेंट में पृथ्वी पर मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम के प्रति रेजिस्टेंट बनाता है। माना जाता है कि जेरिको के से लॉस लगभग किसी भी न्यूक्लियर अटैक के लिए इम्पेंट्रेबल है। ये एक लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 से 11500 किलोमीटर है, और ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की लिस्ट में से एक है। आपको बता दें कि दुनिया के 5 देशों के बाद ये इजराइल की सबसे एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। नंबर 7, Agni-5 इंडिया। हमारी आज की इस लिस्ट में आखिरी नाम है भारत की मिसाइल Agni-5 का। लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक वेपन्स के साथ लैस इसका नाम हिंदू देवता के नाम अग्नि पर रखा गया है। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप्ड ये मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। Agni-5 एक अग्नि मिसाइलों की सीरीज का एक हिस्सा है। भारत के DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनी ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है,
और दोस्तों हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये भारत की सबसे एडवांस मिसाइल है और इसमें कई नई टेक्नोलॉजीज को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा इसके रेंज को 5000 किलोमीटर तक बताया गया है, पर कई एक्सपर्ट्स का, खासकर चाइनीज एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।